हमारा नाम है कौशलेंद्र। ये किस तरीके से हादसा हुआ? आप ये हादसा हुआ है, ये मैंने इसकी सवारियां ही बता रही थी जो घायल हैं, ये लहराता हुआ आ रहा है कम से कम 5-6 किलोमीटर से। तो मैंने कहा तुमने रोका क्यों नहीं, और आकर के मैं यहीं खेत में ही था, एक साथ स्पीड बहुत बहुत स्पीड थी गाड़ी। कितने लोग खत्म हो गए होंगे? लगभग 20-25 खत्म, जो जितनी छत पे थी बहुत बुरी तरह से भरी हुई थी। कितने लोग खत्म हो गए होंगे? छत वाले तो जितने हैं वो खत्म ही है, 20-25 कम नहीं है। अच्छा, ये बस हादसा हुआ, आप उसी में थे, क्या हुआ था? एकदम ड्राइवर सो गया और बस कम से कम 1/2 किलोमीटर के लहरिया चलिया, फिर एकदम मतलब काफी देर तो रगड़ी, कम से कम 50 मीटर करीब तो रगड़ गई। अच्छा, उसके बाद पलट गई? उसके बाद पलट गई, ये डिवाइडर चढ़ गई था साइड में। ये तो कहाँ से आ रही थी? ये सागर जयपुर से, विमल चतुर्वेदी पर। अच्छा, कहाँ जा रही थी? गुरसागंज फरुखाबाद जा रही थी। कितने लोग इसमें घायल और कितने लोग की मौत हो गई होगी? कुछ मौत तो आप बताएं कि कम से कम ये लोग कितने करीब? 50 लोग। हाँ, ऊपर काफी लोग ऊपर बैठे, बच्चे बुजुर्ग सभी थे। हाँ, ऊपर बच्चे तो नहीं थे, ये पड़े ऊपर बच्चे नहीं थे। कहाँ से आ रहे थे? जयपुर। कब चली थी बस? रात को। कितने लोग होंगे बस के अंदर? 80-90 आदमी। फिर यहाँ के किस तरीके से हादसा हुआ कुछ जानकारी? ये लहरा रही थी बस, लहरा रही थी बस। हम लोग देख रहे थे, हम लोग अरे अरे करते करते जब तक भाई साहब पलट गई।